स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने सुलभ विधानसभा क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक पाठशाला बाटलू ड्रो में वन विभाग द्वारा आयोजित पौधारोपण अभियान कार्यक्रम के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने अर्जुन का पौधा लगाया, उनके साथ गांव के लोगों और अन्य अधिकारियों ने भी औषधीय पौधे रोपित किए। स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने सुलभ विधानसभा क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक पाठशाला बाटिलू ड्रो में वन विभाग द्वारा आयोजित पौधारोपण अभियान कार्यक्रम के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने अर्जुन पौधा लगाया, उनके साथ गांव के लोगों और अन्य अधिकारियों ने भी औषधीय पौधे रोपित किए। अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा कि 20 से 24 जुलाई तक चलने वाले विशेष पौधारोपण अभियान में प्रदेश भर में करीब 25 लाख पौधे तथा धर्मशाला ब्रिज में 3 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में 5 दिनों में पालमपुर मंडल में 40,000 पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने पौधारोपण में जिला कांगड़ा में 2,90,000 पौधे रोपित करने पर प्रदेश सरकार में प्रथम स्थान हासिल करने पर भी सभी को बधाई दी। परमार ने कहा कि सरकार ने इस उद्देश्य से अनेक योजनाएं आरंभ की हैं। स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने लोगों से वन संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में व्यापक स्तर पर सहभागिता करें। प्रत्येक गांववासी अपने आवास व आसपास की खाली पड़ी भूमि, खेतों की मेड़ों व अन्य अनुपजाऊ भूमि पर अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनकी देखभाल भी करें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि हिम केयर योजना के तहत 26 लाख लोगों के लिए निशुल्क इलाज के लिए 24 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कुल 70 बच्चों में से 50 बच्चों को कॉकलियर इम्प्लांट करवाया गया है, जिसमें प्रत्येक बच्चे पर 5 लाख रुपए खर्च किए गए। उन्होंने सामुदायिक भवन के लिए जमीन चयन करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि जमीन की उपलब्धता होने पर इस क्षेत्र में एक बड़ा सामुदायिक भवन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि थुरल से बचबाई सड़क पर न्यूगल पुल निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पीटीसी ड्रो कहीं भी स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे और बेहतर करने के लिए नई व्यवस्था बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बाटलू और गदियाड़ा में 34 लाख रुपए की लागत से 2 टैंक निर्मित किए जा रहे हैं। इसके उपरांत स्वास्थ्य मंत्री ने वाटलू में मुख्यमंत्री गृह निर्माण योजना के तहत 7 पात्र परिवारों 9,10,000 रुपए तथा पशुपालन विभाग गढ़ ने NMSA योजना के तहत 13 किसानों को 1,76,000 रुपए की सहायता के चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत 23 लाभार्थियों को 4,85,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की। हाँ करिए या ना करिए, हम अपने गांव खेत खलियान और इलाके में एक पौधा एक कंडीशन रखी गई है, एक से ज्यादा वो 2 लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं, पर जरूर अपने इस पर्यावरण की रक्षा के लिए, इस वन की संपदा को और बढ़ाने के लिए और बचाने के लिए हम अपने गांव इलाके में इस प्रकार का काम करें। श्री डीआर कौशल जी ने बहुत विस्तार से बताया है कि 20 तारीख को यह अभियान शुरू हुआ, पूरे प्रदेश में लगभग 25 लाख पौधे, जैसे हमने आज यहां पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया, जिला कांगड़ा में इसका समापन भाटलू बसकेर और ड्रो में हो रहा है। मुझे भी आज एक पौधा लगाने का मौका मिला, लगभग 25 लाख पौधे लगाए जाएंगे और जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, इस जिला में जो टारगेट रखा गया कि 3 लाख पौधे लगाए जाएंगे, और मुझे ये हर्ष हो रहा है कि पौधे लगाने में हिमाचल प्रदेश में जो 3 लाख पौधे लगाए जाने हैं, हमारे जिला में 2,90,000 पौधों का वृक्षारोपण हो चुका है। बधाई, और यहाँ पर बैठे हुए अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, फील्ड में काम करने वाले उन फॉरेस्ट गार्ड बंधुओं को बधाई, फील्ड मैन को बधाई कि उनके प्रयासों से ये सब कुछ हो रहा है। 26 लाख लोगों का मुफ्त इलाज करवाया, 24 करोड़ रुपया हमने हिमाचल प्रदेश हिमकेयर कार्ड की योजना से निशुल्क लोगों के इलाज के लिए खर्च किया, इसके लिए भी मैं आपको बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं हर प्रोग्राम में जाता था, कहता था अपना हिमकेयर कार्ड बना लो,
अरे अगर 1,000 रुपए और 330 रुपए से 5 लाख रुपए से मुफ्त इलाज हो सकता है तो यह पहली बार हिमाचल प्रदेश में श्री जयराम ठाकुर की सरकार ने किया और हिमाचल प्रदेश में 22 लाख लोगों को आयुष्मान योजना में भी 5 लाख रुपए से मुफ्त इलाज से व्यवस्था हो गई है। जिनका इलाज हम नहीं करवा सके, मैं देख रहा हूं अभी थोड़ी देर के बाद हम हिमाचल प्रदेश के इस इलाके के उन लोगों को हम एक इस अवसर पर मंडलाध्यक्ष देशराज शर्मा, एसडीएम पंकज शर्मा, डीएफओ संजय सेन, महामंत्री चंद्रबीर पाल, अवतार राणा, दीपक नाग, जिला परिषद जोगिंदर चौहान, अशोक पुरोहित, अश्विनी पुरोहित, राजेश गग्गू सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद थे। भक्तों से लग छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।